अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद फ़न। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम हिना है एंड आई एम अ मॉम ऑफ 3 किड्स। और इस चैनल के मुताबिक मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इस चैनल में मैं आपको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ बताऊँगी जो कि 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों से रिलेटेड होंगी। और ये फ़न एक्टिविटीज़ हैं और ये अर्ली लर्निंग के लिए बेहतरीन एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप घर ही में बैठ के बच्चों के साथ कर सकते हैं और उनकी अर्ली लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्केल और सेंसरी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बताऊंगी। और मैं आपको पेंसिल ग्रिपिंग के बारे में भी एक्टिविटीज़ बताऊंगी, किस तरह आप बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और जो ये एक्टिविटीज़ हैं सुपर अफोर्डेबल हैं और आप इनको घर ही में कर सकते हैं। जो आज की एक्टिविटी है, सबसे पहली एक्टिविटी है, वो सेंसरी प्ले से रिलेटेड है। सेंसरी प्ले क्या है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सेंसरी प्ले इज़ बेसिकली पिकिंग अप थिंग्स एंड फीलिंग द टेक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। और सेंसरी प्ले में जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं वो यंग बच्चों की सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए, लाइक उनकी सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग, इनको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ हैं ये, एक तो ये इंटरेस्टिंग होती हैं, फ़न होती हैं और ये बच्चों को इनक्रेज करती हैं टू एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट एंड ऑब्ज़र्व थिंग्स। और ये बच्चों की सोशल स्किल्स के लिए बहुत अच्छी हैं, बच्चों की फ़ाइन मोटर स्किल्स को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी अर्ली लर्निंग प्रोग्राम आप अगर बच्चों का शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले अगर ये आप एक्टिविटीज़ बच्चों को कराते हैं या उसके दौरान भी कराते हैं तो ये बच्चों की अर्ली लर्निंग को बेहतर करती हैं और अच्छा करती हैं। तो आज की जो एक्टिविटी है वो राइस सेंसरी बिन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको इसके मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। राइस सेंसरी बिन में आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दूँ। राइस सेंसरी बिन में आपको सबसे पहले तो राइस चाहिए, और ये राइस आप कोई से भी ले लें, बेशक सस्ते वाले ले लें, लेकिन मेक श्योर कि ये साफ़ सुथरे हों, क्लीन हों। और इसके अलावा आप इनको डाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, जैसे कि मैंने किया हुआ है। मैंने ज़्यादा डाई नहीं किया हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत डाई किया हुआ है। आप इनके डिफरेंट पोर्शंस करके चावलों के, और आपको इनको फूड कलर के साथ डाई कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी इनको डाई कर सकते हैं, और जैसे ये मैंने डाई किया हुआ है आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको डिफरेंट किस्म के, आप एक या बड़ा सा कंटेनर ले लें स्टोरेज बॉक्स का, इस तरह का। और मेक श्योर कि ज़्यादा डीप ना हो और इसी तरह का हो कुछ के बच्चे आसानी से इसके साथ खेल सकें। इसके साथ आप इसके साथ ये आप मेयरिंग कप्स ले सकते हैं कलरफुल, ये आपको आराम से मार्केट से अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिक के मेयरिंग कप्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ये ले लें आप, बच्चे से शौक से खेलेंगे। और इसके अलावा आप इसमें ये अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हैं, ये मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा आप ये वुडन भी अल्फ़ाबेट्स और वुडन जो नंबर होते हैं वो भी आपको आराम से मिल जाएंगे। आप स्पून प्लास्टिक के ले सकते हैं, इसके अलावा आप ये ग्लासेस हैं जो कलरफुल हैं वो ले सकते हैं। और डिफरेंट आप इसमें चीज़ें डाल के बच्चों के साथ बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हैं, और बच्चे बहुत शौक से इसको साथ खेलते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये फ़न है और बच्चे इसका टेक्स्चर भी फील करते हैं, ये बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इससे आप बच्चों को नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स भी याद करा सकते हैं, जिस तरह कि आप बच्चों को कह सकते हैं कि फाइंड टू नंबर, तो बच्चे इस तरह दिखा सकते हैं, यानी ढूंढ के दिखा सकते हैं। और आप अल्फ़ाबेट्स भी इसी तरह बच्चों से फाइंड ए, फाइंड बी, आप यूं करके बच्चों से कह सकते हैं। और आप बच्चों से ज़्यादा इंकरेज करेंगे वो स्कूप से उठा के आपको बताएं कि ए अल्फ़ाबेट किधर है, बी अल्फ़ाबेट किधर है, या टू नंबर किधर है, थ्री नंबर किधर है। तो और इसके अलावा इसको बच्चे ग्लासेस में पोर करें फिर फेंकें, ये भी बच्चों की एक एक्टिविटी है। उनके हैंड मसल्स भी इसमें काम करते हैं और उनकी आगे प्री राइटिंग स्किल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इसमें डिफरेंट किस्म की कंस्ट्रक्शन कार्ड्स भी ले सकते हैं, बच्चे इससे भी शौक़ से खेलते हैं। और ये बच्चों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है, उनकी अर्ली लर्निंग के लिए बेहतरीन एक्टिविटी है। अगर आपको ये एक्टिविटी पसंद आई है, राइस सेंसरी बिन की एक्टिविटी, तो आप इसको अपने बच्चों के साथ घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है और बच्चों की अर्ली लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है। और बच्चे इससे काफ़ी कुछ सीखते हैं, बच्चों को जिस तरह के नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स भी बच्चे इससे काफ़ी हद तक सीख जाते हैं, और बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।